हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में लेसन नंबर 5 मृदा अभिक्रिया डिस्कस कर रहे थे, उसमें अपन आज डिस्कस करेंगे उभय प्रतिरोध क्षमता। पिछली क्लास में अपन ने इसको प्रारंभ किया था, उभय प्रतिरोधक विलयन क्या होता है, मतलब बफर विलयन क्या होता है, इसकी बफर क्रिया क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं और मृदा भी उभय प्रतिरोधी गुण प्रदर्शित करती है, इसके बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज अपन अध्ययन करेंगे उभय प्रतिरोध क्षमता, जिसको अपन परिभाषा के रूप में इसकी परिभाषा पढ़ेंगे और उभय प्रतिरोधन का महत्व क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज आपका ये लेशन फिनिश हो रहा है, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग के बारे में अपन बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसकी परिभाषा से, उभय प्रतिरोधन क्षमता। देखिए, उसी परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे अपन कि किसी भी विलयन की, अब वो क्या हो सकता है, आपका मृदा विलयन हो सकता है, सामान्य विलयन हो सकता है, वह क्षमता जिसमें अपन क्या मिला है, अम्ल मिला है या क्षार मिला है, अम्ल मिला है या क्षार मिला है, किसी भी मृदा विलयन की वह क्षमता जिसमें अम्ल या क्षार मिलाने पर वह पीएच परिवर्तन का क्या करे, प्रतिरोध करे, उसका विरोध करे, पीएच परिवर्तन क्या करे, प्रतिरोध करे, उस क्षमता को अपन क्या कहेंगे बेटा, उभय प्रतिरोध क्षमता कहेंगे। दोबारा सुनिए, किसी भी विलयन की वह क्षमता जिसमें अम्ल या क्षार मिलाने पर वह क्या करे, पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करे, तो उस विलयन की इस क्षमता को क्या कहेंगे अपन, उभय प्रतिरोध क्षमता कहते हैं। राइट, कितना वो पीएच को रोके रख रहा है, कोई भी विलयन पीएच को कितने समय तक रोके रख रहा है, उसमें कोई परिवर्तन होने नहीं दे रहा है, इस क्षमता को अपन क्या कहेंगे, उभय प्रतिरोध क्षमता कहेंगे। और इसी को अपन क्या कहते हैं, उभयधर्मी प्रकृति, क्या बोलेंगे बेटा इसको, उभयधर्मी प्रकृति, उभयधर्मी प्रकृति, बात क्लियर है। आगे बात करते हैं उभय प्रतिरोधी जो क्षमता है, इससे मृदा दोनों ही गुण प्रदर्शित करती है, अम्लीयता भी प्रदर्शित करती है। मृदा में कौन से गुण होंगे, अम्लीय गुण भी होंगे और क्षारीय गुण भी होंगे, तभी तो वो क्या है, उभय प्रतिरोधी है, क्या है, उभय प्रतिरोधी है। क्लियर, जिसमें अम्लता भी और क्षारकता भी है, दोनों का मान लगभग बराबर है, तभी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहां पर मृदा दोनों गुण प्रदर्शित करती है, अम्लता भी और क्षारकता भी। क्लियर बेटा, आगे बात करते हैं जो आपकी उभय प्रतिरोधी क्षमता है, उभय प्रतिरोधी क्षमता है वो मृदा की इस पे कोलाइडल प्रकृति, इस पे कोलाइडल प्रकृति पर निर्भर करती है, कोलाइडल प्रकृति पर निर्भर करती है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि उसमें मृत्तिका की मात्रा कितनी है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी है। जितने ज्यादा कार्बनिक पदार्थ और मृत्तिका होगी, उतने ही ज्यादा उसकी क्या होगी, उभय प्रतिरोधी क्षमता होगी। में मृदा की उभय प्रतिरोधी क्षमता किसमें निर्भर करती है, कोलाइडल प्रकृति पर, जिसके अनुसार जितनी ज्यादा उस मृदा में मृत्तिका व कार्बनिक पदार्थ होंगे, उसकी उभय प्रतिरोधी क्षमता क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। बात क्लियर है। इसके अलावा धनायन विनिमय भी, इसकी बात करूंगा मैं, धनायन विनिमय भी इसको प्रभावित करते हैं, उभय प्रतिरोधन क्षमता को प्रभावित करते हैं।
या वे प्रतिरोधक क्षमता धनायन विनिमय से प्रभावित होती है। जैसे 50% बेसंतृप्ति, इसकी बात करेंगे बेटा 50% बेसंतृप्ति, बता चुका मैं आपको पहले 50% बेसंतृप्ति वाली मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता, उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। देखो बेटा क्या लिखा मैंने आपको, धनायन विनिमय उभय प्रतिरोधन क्षमता किससे प्रभावित होती है, धनायन विनिमय, और धनायन विनिमय किस जुड़ा हुआ है, बेसंतृप्ति से। तो किसी मृदा की कितनी 50% बेसंतृप्ति होने पर उसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या होगी, सर्वाधिक होती है। आगे बात समझ में, तो ये तो था अपने पास में इसकी परिभाषा, क्या उभय प्रतिरोधन क्षमता कितनी होती है। बात करते हैं अपन उभय प्रतिरोधन का महत्व क्या है, उभय प्रतिरोधन का महत्व क्या है, इसको दो बिंदु समझेंगे अपन, मृदा पीएच का स्थायीकरण और मृदा सुधारकों की आवश्यकता। देखिए बेटा इसकी बात करेंगे अपन महत्व, ये क्या करता है, महत्व दो कारकों से है, एक तो देता है अपन को मृदा पीएच का स्थायीकरण, क्या देता है, मृदा पीएच का स्थायीकरण, और दूसरी बात है आपका मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा, मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा। अब देखिए मृदा पीएच का स्थायीकरण कैसे है, अब तक अपन सारी चीज पढ़ते आए हैं, पिछली क्लास में भी ये बात पढ़ी, इसमें भी ये बात पढ़ते हैं कि आपका उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन क्या है, जो पीएच को क्या नहीं करता, पीएच कम या ज्यादा नहीं होती है, नहीं होती है, क्लियर। उभय प्रतिरोधी का मतलब क्या हो गया, पीएच कम या ज्यादा नहीं होती है, मतलब क्या हो गया, किसी भी मृदा की पीएच क्या होगी, स्थायी होगी, कब, जब वो क्या है, उभय प्रतिरोधी है। क्या होना चाहिए, मृदा उभय प्रतिरोधी होनी चाहिए, तब उसकी पीएच क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी, पीएच क्या हो जाएगी बेटा, स्थायी हो जाएगी, क्लियर। दूसरा है मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा। अब देखिए अगर अपन को क्या है, मृदा उभय प्रतिरोधी है, ध्यान देना बेटा, मृदा उभय प्रतिरोधी है, तो पीएच क्या है, निश्चित है, पीएच क्या है, निश्चित है। अब पीएच निश्चित होगी तो अपन को क्या पता लग जाएगा कि मृदा क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है, मृदा अम्लीय है या क्षारीय है, उसी के अनुसार अपन क्या डालना है उसमें, मृदा सुधारक मिलाने होते हैं, आई बात समझ में। देखो मृदा उभय प्रतिरोधी इसका मतलब क्या है, पीएच निश्चित है, निश्चित है तो या तो वो अम्लीय की तरफ होगी या क्षारीय की तरफ होगी, जितनी भी है निश्चित है। अब वो निश्चित अगर अपन को क्या कर रही है, फसल को नुकसान कर रही है, तो अपन क्या डालेंगे उसमें, मृदा सुधारक, तो पीएच पता लग गया अपन को, तो अब उस पीएच के आधार पर ही अपन किसकी, मृदा सुधारक की मात्रा फिक्स कर देंगे, तो वहां पर मृदा सुधारक की मात्रा को मिलाना होता है, क्लियर। तो इन दो कारकों से अपन किसको, उभय प्रतिरोधन के महत्व को समझते हैं, क्लियर। अब बात आती है किसकी, महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बाद आती है बेटा महत्वपूर्ण प्रश्न, लगातार दो साल से ये आपका सिलेबस का तीसरा पेपर हो गया, पिछले साल आई थी आपकी बरसीम जो फसल है, ये अपने पास में मृदा पीएच का महत्व जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन बनता है कि सामान्य पीएच की बात होती है, रोगों पर, सूक्ष्म जीवों पर, पोषक तत्वों की उपलब्धता पर,
ठीक है भौतिक गुणों पर, परंतु वहां पर पर्टिकुलर आपके सूक्ष्म जीव या फिर कोई फसल की जो पीएच है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। 2019 में जो आया था वो आया था बरसीम की पीएच क्या होती है मृदा के लिए, और इस साल आया था गेहूं के लिए। तो मैंने एक क्वेश्चन बना के दे रखा है आपको कि निम्न फसलों के लिए उपयुक्त मृदा पीएच का मान क्या होगा, वो क्वेश्चन आपको देखना है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है सूक्ष्म जीवों की पीएच, सूक्ष्म जीवों के विकास के लिए पीएच, उनकी वृद्धि के लिए पीएच क्या होती है। तो यहां पर अपन नील हरित शैवाल इसकी बात करेंगे, नील हरित शैवाल, एक्टिनोमाइसिटीज, इन सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए पीएच की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है उभय प्रतिरोधक क्या होते हैं, उभय प्रतिरोधी क्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, उसकी परिभाषा और क्रिया को आप उदाहरण सहित समझा सकते हो। जैसे अपन ने लिया था उदाहरण पिछली क्लास में कौन सा, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम एसीटेट का, जिसमें एक NaCl की 1 ml मात्रा मिलाने पर KCl की पीएच 7 से 3 हो गई थी, जबकि अमोनियम एसीटेट की पीएच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अतः अमोनियम एसीटेट किसकी तरह, बफर विलयन की तरह कार्य करता है। क्लियर। फिर बात आ जाती है अभी पीएच स्केल क्या होता है, पीएच और पीओएच में क्या संबंध होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको नोट्स में दे रखे हैं, उनको आप सोल्व कीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।